वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती क्लासेस गोरखपुर। आपको पता होगा आज हमारी अप्लाइड मैकेनिक्स की क्लासेस हैं और अप्लाइड मैकेनिक्स में हमने 2D पर सवाल लगवा दिए थे सेंट्रॉयड निकालने वाले। कई बच्चों ने सवालों के क्वेश्चन भी मेरे पास सेंड किए हैं। इस क्वेश्चन में आगे आपको जिन बच्चों ने सवाल मेरे पास भेजे थे उनका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। लेकिन 2D सवाल के बाद आपको आता है 3D, मतलब सॉलिड। अगर बाय द वे सॉलिड आपको दे दिया जाए और सॉलिड पे अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए, यानी कि ग्रेविटी अगर पूछ दे निकालने के लिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तब कैसे निकालेंगे। तो सेंट्रॉयड निकालने का प्रोसेस आपने पढ़ा, बहुत आसान तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की, हमें उम्मीद है। और कई बच्चों ने सवाल लगा कर भेजा भी मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, तो मुझे लग रहा है मेरा वीडियो पिछला वाला जो बनाया था वो सफल हो गया। लेकिन जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा वो फिर से मेरे भी व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सेंड करें, हम उनका सलूशन लगा करके भेज देंगे। अब जरा चलते हैं 3D मतलब सॉलिड। सॉलिड में केवल आपको ज्यादा नहीं, इन्हीं चार चीजों के बारे में जानना और इन चार चीजों से सॉलिड में आपके सवाल पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपसे कभी भी सॉलिड में अगर आपके सिलेंडर की बात करें और सिलेंडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछ दे कि कहां होता है, तो आपको याद रखना होगा सिलेंडर में। जरा देखिए, आपको मैंने इसकी हाइट माना और इसको मैंने डाया लेकर के चला है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसका जो सेंट्रॉयड होगा, मतलब या कह सकते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सॉलिड के लिए, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो आपका होगा, देखिए ये आपका वाई एक्सिस है आपका और ये आपका एक्स एक्सिस है, तो ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तो यानी कि इस जी की अगर हम बात करें तो यहां से कितना दूर जाएंगे, आर। तो इसीलिए मैंने देखिए एक्स बराबर मैंने कितना लिखा, आर। यानी इसकी ऊंचाई कितनी आपकी होगी यहां से कितना ऊपर, तो एच बाई टू, तो वाई बराबर एच बाई टू। तो ये फार्मूले के तौर पर आपको याद रखना है कि अगर कभी भी अगर आपसे एक बेलन कह दे और इस बेलन का गुरुत्व केंद्र पूछ दिया जाए, तो बेलन का जो गुरुत्व केंद्र होगा वो उसकी आधी, यानी कि हाइट की आधी दूरी पर, और इसका डाया होगा डाया की आधी दूरी, या यूं कह सकते हो त्रिज्या के बराबर होता है। तो ये तो सिलेंडर के लिए हो गया। अब देखो सिलेंडर का आपको वैल्यूम भी पता होना चाहिए कि जिसका वैल्यूम आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब जरा चलते हैं, ये तो रहा सिलेंडर के बारे में। अब अगला जो टॉपिक आपका आता है उसमें हम आता है कोन, यानी हम शंकु की अगर हम बात करें तो शंकु में देखिए मैंने इसको एच से लिखा हुआ है और ये जो डायमेंशन आपकी होती है ये भी डाया, जाहिर सी बात है शंकु का नीचे आपको पता ही होता है वो आपका क्या होता है सर्किल होता है, तो ये डी डाया कह सकते हो या रिम परिधि भी आप। लेकिन यहाँ पर जो इसका सेंट्रॉयड आपकी अगर हम बात करेगा तो इसकी जो सेंट्रॉयड आपकी होती है, जरा ध्यान दीजिएगा, इस आपके जरा देखिए ये वाई एक्सिस से यहाँ कितना दिया आपका आर दिया, और यहां से जरा देखिए आपका ये दूरी आपकी कितना दे रहा है h by a4, यानी x से कितना ऊपर जाना है h by 4। तो इसीलिए आपको पता है यहां का जो फार्मूला बनेगा, यानी आपका x कितनी दूरी जा रहा है r, यानी y पे कितना ऊपर जा रहे हैं h by 4। यानी इसका जो सेंट्रॉयड अगर कभी आपसे कह दे कोन का, तो कोन का जो सेंट्रॉयड होता है वो h by 4 और r दूरी पर, या r कामा h by 4 दूरी पर आपका होता है। उसके बाद फिर आपका आता है स्फीयर मतलब गोला। अब गोले का जो आपका होता है तो गोले का आयतन आपको पता होना चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब, उसी हिसाब से आपको शंकु का भी आयतन पता होना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जरा देखें इसका जो सेंट्रॉयड सबसे इजी होता है, इसका सेंट्रॉयड केंद्र, जाहिर सी बात है गोले का जो केंद्र होगा वही उसका क्या होगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी जो आपकी होती है वो उसकी त्रिज्या और इस ऊपर से नीचे से भी आपकी क्या होगी त्रिज्या के बराबर। यानी आपको देखो मैंने इसीलिए यहां एक्स बराबर कितना लिखा R, और Y बराबर भी मैंने क्या लिख दिया R। तो इस तरह से आपने स्पेयर। अब बात करते हैं हेमी स्पेयर, तो हेमी स्पेयर जो होता है यानी कि इसका आधा, तो यानी 4/3 पाई आर क्यू, तो इसका आधा करेंगे तो वैल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू, यानी इसका आयतन 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इतना काम करने के बाद अब इसमें का जो आपका होगा आपका जो कह सकते ग्रेविटी, तो इसका जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा यानी कि आपको एक्स एक्सिस पे कितना दूर जाना होगा यानी आर दूरी पर, और वाई पर कितना जाना होगा 3r/8। अब इन सबका डेरिवेशन होता मैंने बताया था वो आपका अगला सेमेस्टर जब आएगा, जब आपको मैकेनिक्स और सॉलिड पढ़ाया जाएगा, तो आपको यहां पर इसी को हम लोग मॉस या सॉम कहते हैं, तो इसमें इनका डेरिवेशन आपको पूरी अच्छी तरह से बताया जाएगा। तो ये फार्मूले आपको चार आपको वैल्यू मतलब आयतन वाले जब सवाल आते हैं, या यूं कह सकते हो सॉलिड वाले सवाल आते हैं, तो इन चारों को आपको पूरी अच्छी तरीके से जानना होगा। उसमें कुछ करना नहीं है, बाकी सभी वैल्यू दी जाएंगी, बस आपको मान रख करके निकालना होगा। इस पर भी हम एक आपको इस वीडियो में सवाल लगा करके दिखा देंगे, और पिछला बच्चों ने जिन्होंने 2D के सवाल पूछे उस वीडियो में भी आपको सवाल मिल जाएंगे। तो अब चलते हैं, इस पर एक सवाल लगा करके आपको दिखाया जाता है। चले आते हैं अब सवाल की बात, हम सवाल लगाने की बात करते, अगला सवाल देखा जाए
तो जितने फार्मूले बताए हैं उन फार्मूले में मैंने कुछ एक सवाल उठाया, उसी सवाल को लगाते हैं सॉलिड के लिए। तो यहाँ देखो एक फिगर आपको बना करके दे दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब भी देगा तो फिगर बना देगा, और फिगर बनाने के बाद आपसे आंसर पूछेगा। तो यहाँ एक फिगर बना, यहाँ लिख दिया सिलेंडर, यहाँ एक फिगर लिख दिया, यहाँ लिख दिया कौन, मतलब एक बेलन के ऊपर शंकु को रख दिया जाए। अब बताइए उसका सेंटर ऑफ जी गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा। तो अभी अभी आपने पढ़ा, मैंने अलग अलग बताया, अलग हमने क्या बताया बेलन का आपका गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा, फिर मैंने बताया अगर कोई शंकु तो उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई है। अगर आपको याद है तो अभी जस्ट हमने बताया था कि अगर आपको सेंट्रॉइड की अगर हम बात करें, अभी जस्ट हमने ये चीज़ें बताई हैं, जरा एक बार फिर से आप रिवीजन कर लें। हमने बताया था अगर कभी सिलेंडर आपके पास होगा तो सिलेंडर में मैंने बताया था कि मान लीजिए अगर आपका ये बी है, अगर मान लीजिए ये एच है, मान लो ये बी है, अब बताइए इसका गुरुत्व केंद्र यहीं पर होगा। मैंने बताया था क्या होगा, ये बी का आधी दूरी बी बाई टू पर और एच की आधी दूरी एच बाई टू पर। तो ये तो अलग अलग निकाला आपने। अब उसके बाद आपको शंकु का भी मैंने बताया, अगर आपके पास कोई शंकु है इसकी हाइट एच हो, अब हमने बताया था इसकी ऊंचाई कितनी दूरी पर एच बाई फोर ऊंचाई पर आपका क्या होगा, उसका सेंट्रॉइड मिलेगा। तो वही चीज़ें आपको ध्यान में इसमें रखना है। ये चीज़ें अभी हमने पिछला जो बताया है अभी, तो वो सब अलग अलग बताया, अब दोनों को एक साथ जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद कैसे, तो हमने बहुत पहले एक डेरिवेशन फार्मूले का कराया था कि अगर दो चीज़ों को जोड़ा जाता है तो जुड़ने के लिए आपको मोमेंट मेथड से एक डेरिवेशन को मैंने सॉल्व कराया था कि अगर आपके पास एरिया दिया जाए और एक्स वन वाई वन का मान दिया जाए तो किस तरह से आप क्या करेंगे सेंट्रॉइड निकालेंगे। अब आज बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए। तो देखो सबसे पहला काम, आप बेलन यहां लिख दिया है, अब जरा बेलन को यहां उठाइए, देखिए सॉल्यूशन हम कर रहे हैं बेलन। तो सबसे पहले आपको पता बेलन एक 3D होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है, तो इसलिए उसकी एरिया नहीं होगी, उसकी क्या होगी वैल्यूम आयतन। तो आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो आपको पता है पाई। अब आर, आर की मान क्या दिया, देखिए ये डाया कितना दे दिया 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा उसका आधा हो जाएगा, तो हमने 4 रख दिया। अब 4 का स्क्वायर कर दिया। अब एच हाइट कितना दिया बेलन की, केवल बेलन की बात हो रही है अभी, तो बेलन की हाइट 10 सेंटीमीटर दिया, तो हमने यहां 10 सेंटीमीटर रख दिया। और इसे जब सॉल्व कर दिया तो देखिए जरा V1 का जो मान आया है वो अप्रॉक्स लगभग इतना आया है। आपके पास कैसियो कैलकुलेटर होगा, कैसियो का आप पाई को पाई रखेंगे, यहां पर हमने बस क्या किया 3.14 मान रख करके दिखाया है। तो हो सकता हो आपके क्या होगा दशमलव के बाद वाली अंक उधर उधर थोड़ा सा आपकी क्या हो जी मैच नहीं कर सकती, तो आप उसे सही कर लीजिएगा। अब बात करते हैं यहां देखो, अब इसका हम निकालेंगे पहले x1 और y1। तो आपको पता x पर चली गई दूरी, y पर चली, यहां हमने x1 0 लिख दिया। अब ऐसा क्यों, अभी हमने पिछला बताया था कि अगर बाय द वे आपका ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो अब y से दूर जाते वही x की दूरी होती है, तो हम यहां जा रहे थे तो b/2। ये b/2 कब आया, जब आपने y को क्या कर दिया y एक्सिस को, जरा देखें आपने बेलन के आप इसके जनित्र से चिपका करके, जब जनरेटर से चिपका करके जब लाइनें खींच रहे हैं तब आपको मिल रहा है। लेकिन आपके इस सवाल में हमने क्या कर दिया, हमने इस y एक्सिस को एकदम बीचों बीच में मान लिया। क्या सवाल में कहेगा, अगर कह दिया तो आपको तो मानना पड़ेगा, लेकिन अगर ना दे केवल डायरेक्टली फिगर बना के दे दे और एक्स और वाई एक्सिस आपको मानना हो, तो बेहतर ये है कि आप सिमेट्रिकल ढूंढिए। अगर सिमेट्रिकल मिल जाएगा तो एक का मान निकालना पड़ेगा, दूसरे का मान आपका जीरो हो जाता है। सिमेट्रिकल के बारे में मैंने बता दिया है, आप सिमेट्रिकल के बारे में अगर आपको समझना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है या तो मेरे पिछली वीडियो जाकर के एक बार देख लीजिएगा। तो हमने बेहतर के लिए क्या कर दिया, टाइम को बचाने के लिए हमने देखा कि बेलन को सिमेट्रिकल हो सकता है, कोण भी सिमेट्रिकल हो सकता है, शंकु भी, तो इसीलिए हमने वाई एक्सिस पर ये सिमेट्रिकल होगा, तो इसकी लाइन को हमने एकदम बीचों बीच में उससे क्या कर दिया खींच लिया। तो जब आपने बीचों बीच में खींच लिया, यानी कि अब आप एक्स पर कोई दूरी चलेंगे ही नहीं, अब आपका जब यहीं पर हो जाएगा मतलब एक्स से जितना दूर जाते वहीं पर आपको क्या मिलता, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलता। तो हमने क्या कर दिया, वही जहां पर जी होना था वहीं पर वाई खींच लिया, यानी वाई से जब दूर जाएंगे नहीं तो एक्स मिलेगा नहीं, तो इसीलिए x1 क्या हो गया 0। अब y1 की बात करते हैं, तो अभी आपको मैंने बताया कि अगर आपको क्या करना है, अब यहाँ x से जो ऊपर जाते हैं वही y की दूरी कहलाती है, तो अब जब ऊपर कितना जाएंगे आपको g1 पाने के लिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाने के लिए इस बेलन का, तो उसकी हाइट का आधा, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 10 का आधा कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने y1 बराबर 10/2, y1 इक्वल टू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपने सिलेंडर के लिए निकाल दिया। अब बात करते हैं किसके लिए, कौन, शंकु। अब शंकु की बात करें
तो आप शंकु का सबसे पहले वैल्यूम निकालिए, तो आपको वैल्यूम पता होना चाहिए कौन वी टू, अगर इसको हमने वी वन किया तो इसको वी टू करिए, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप जरा देखिए 1/3 पाई आर, अब उसके लिए आर, अब जरा देखो आपको पता है जितना आपका यहाँ पर आपका डाया दिया है सेम डाया आपका वही है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे दोनों साइडें बराबर है, तो अब आपका यहाँ भी डाया 8 होगा तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, आपको पता है डी बाई टू, तो डी बाई टू जब करेंगे तो कितना होगा 4, और एच का मान यहाँ हाइट कितना दिया 21 दिया, तो अब यहाँ पे जब इसे रख दिया और कैलकुलेट किया अप्रॉक्स में लगभग में 351.68 सेंटीमीटर क्यूब आपका ये आ गया, यानी इस तरह से आपने क्या निकाल लिया वी टू निकाल लिया। अब जरा चलते हैं अब क्या निकालेंगे x2 और y2। अब x2 की बात करें तो x2 तो ये सिमेट्रिकल हो गया y एक्सिस पे, जब y पे सिमेट्रिकल हो गया तो x का मान 0 होगा, तो अब जरा देखें ये भी सिमेट्रिकल था तो काम बन गया x2 0 हो गया। अब बात करते हैं y2 की, अब y2 जरा ध्यान दीजिए y2 क्या होगा, अभी अभी मैंने बताया था कि कोण का जो आपका वाई एक्सिस पे जो चली जाने वाली जो दूरी होगी आपका जो होगा वो उसकी हाइट का क्या होगा 4th होगा 1/4 होगा, तो अब जरा चलते हैं तो इसीलिए हाइट आपकी कितनी थी 21 था, तो आप इसका जब निकालेंगे यानी यहां से जब यहां तक की दूरी निकालेंगे तो आपको पता है 21 बटा कितना हो जाएगा 4, तो हमने देखी यहां पर 21 बटा 4 लिखा, पर इस 21 बटा 4 लिखा वो यहां तक की दूरी है, लेकिन आपको पता है जब भी हम दूरियों को लेते हैं नापते हैं तो हमेशा ओरिजिन से लेकर के इसे जोड़ा जाता है, जैसे इसे आपने ओरिजिन से जोड़ा 5 सेंटीमीटर आया, तो इससे भी आप क्या करोगे इस मूल बिंदु से लेकर के चलोगे, तो अब यहां तक की दूरी तो पता है और ये दूरी आपको दे दिया कितना 10, तो हमने क्या किया 21 बटा 4 में ही हमने 10 को क्या कर दिया ऐड कर दिया, जब सॉल्व करेंगे तो लगभग 15.25 कितना आ गया 2.5, तो इस तरह से आपने क्या कर दिया निकाल दिया। अब आपको कोई और तो कोई भाग दिया नहीं है कि कहीं पर स्पेयर रख दिया हो या हेमी स्पेयर रख दिया, तो जितना दिया है दो भाग दिया तो दोनों को मैंने कर लिया। अब फार्मूला, अब 12x निकालेंगे नहीं क्योंकि 0 है तो 12y निकालेंगे, तो अब v1 y1 v2 y2 प्लस v1 प्लस v2, तो v1 का मान आपको पता है आपने निकाला कितना यहां पे 502.4, अब देखिए y1 का मान 5 है फिर प्लस v2 का मान कर 351.68, उसके बाद अगर हम बात करें y2 की तो आपने देखिए यहां 15.25, अब इसके बाद डिवाइडेड बाई आपका v1 प्लस v2, जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर आगे आ जाएगा, जब यहां पे सॉल्व करेंगे तो लगभग इतना आएगा, अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे ये और जब इन दोनों को जोड़ करके डिवाइड करेंगे तो आपका वाई बराबर 9.2 सेंटीमीटर, यानी कि आप कह सकते हो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा यानी कि बार एक्स और बार वाई अगर देखा जाए तो बार एक्स तो 0 हो गया लेकिन 9.2 के अप्रॉक्स आया, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर किसी बेलन के ऊपर कोई शंकु रख दिया जाए तो उसका जो गुरुत्व केंद्र होगा वो 9.2 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर होगा, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो मेन जी होगा आपका यहां पे अप्रॉक्स आपका क्योंकि 10 सेंटीमीटर है और ये 9 है तो जाहिर सी बात इसी सिलेंडर में होगा, यानी यही जो पॉइंट आपका होगा यही जो बिंदु होगा उस बिंदु पर ये क्या होगा उसका समस्त जो आपका वैल्यूम जो होगा आपका क्या होगा समस्त भार जो होगा वहीं पे काम करता हुआ माना जाएगा। तो इस तरह से आपने 3D के सवाल देख लिए। अब बात करते हैं कुछ बच्चों ने 2D के सवाल भेजे थे लगाने के लिए, तो अब इसको हम लगा करके आपको दिखाते हैं, उसके बाद और भी कोई क्वेश्चन 3D का होगा तो आप हमारे WhatsApp नंबर पर मैसेज करिएगा, हम बेहतर यही होगा कि आपको WhatsApp पे ही अगर जल्दी पाने होंगे तो WhatsApp पर ही लगा करके आपको शेयर कर दें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती क्लासेस गोरखपुर। आज हम आपके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन मेरे ऊपर सेंड किया था मेरे व्हाट्सएप पे और उन क्वेश्चनों का मैं सोल्यूशन लेकर के आया हूँ। जैसा कि आपको पता होगा ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का अगर न्यूमेरिकल की बात की जाए तो न्यूमेरिकल का ये दूसरा लेक्चर है, लेकिन अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात की जाए इस पूरे लेसन की तो आपको पता होना चाहिए ये आपका 6th लेक्चर चल रहा है। अब जरा चलते हैं, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा हमें लगा कि बच्चों ने मेरी बातों को समझा और उन्होंने क्वेश्चन को भेजा। अब जितने भी क्वेश्चन जिन बच्चों ने मेरे पास भेजे हैं वो सभी क्वेश्चनों को लगा दूंगा। कुछ बच्चों के क्वेश्चन एक जैसे ही मैच कर रहे थे तो इसीलिए एक क्वेश्चन लगेगा दूसरा अपने आप उसी तरह से लगा लीजिएगा। अब बात करते हैं, अब अगर इस तरह के शेप अगर आपको मिल जाए तो इस तरह के शेप अगर मिल जाए तो इनका आपको आंसर निकालना तो कैसे निकाला जाएगा, जिसका हमको सेंट्रॉयड निकालना। अब हमने बताया था सेंट्रॉयड निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, आप फिगर को ध्यान से देखिए,
अब फिगर में आपको दो चीज़ें ध्यान में देखनी पड़ेगी, एक आपको x और y देखिए कि x और y कहाँ पे रखा हुआ है, दूसरा आप ये देखिए क्या हमारा फिगर सिमेट्रिकल है। अब रही बात सिमेट्रिकल की, तो सिमेट्रिकल के बारे में मैंने बताया था जिसे हम लोग सममिति बोलते हैं, यानी कि जिनको अगर बीच से यानी वर्टिकल या हॉरिजेंटल काटा जाए तो अगर ये बराबर बराबर भागों में बट जाते हैं तो वही सिमेट्रिकल होता है। तो अब ज़रा यहाँ देखो, अगर इसे हम आप देख रहे हो तो इसका जो शेप है वो आई शेप का है। अब आई के आकार का है, लेकिन यहाँ देखिए ऊपर का जो आपका वो छोटा है, नीचे का कुछ आपका जो फ्लेंज आपका बड़ा है। तो हम यहाँ पे देखें, अगर इसे वाई एक्सिस पर अगर आप इसे काट रहे हो तो ये फिगर जो होगा वाई एक्सिस पर सिमेट्रिकल हो जाएगा। और आपको पता है अगर वाई एक्सिस पर सिमेट्रिकल होगा तो बार एक्स का मान जीरो हो जाएगा। अब इसीलिए हमने देखे बार एक्स का मान जीरो हो जाएगा तो केवल किसका मान निकालना, केवल बार वाई का मान निकालना। अब कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको समझ में ये नहीं फिर आया कि आखिर बार एक्स का मान जीरो कैसे हुआ, तो एक बार आप पीछे चले जाइए लेक्चर नंबर 5 देखिए, और उसको भी ना हो तो लेक्चर नंबर 4 से स्टार्ट करिए, तो वहां से आपको सिमेट्रिकल के बारे में अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। तो अब अगर हम बात करें सिमेट्रिकल का, तो आपका बार एक्स बराबर जीरो हो गया क्योंकि आपको पता है कि अगर वाई एक्सिस पर सिमेट्रिकल होता है तो यानी कि उसका जो सेंट्रॉयड होता है एक्स पे चली जाने वाली दूरियों पर ही वाई मिल जाता है, तो इसी वजह से आपका क्या हो जाता है कि एक्स बराबर जीरो हो जाता है। तो करना क्या होगा, किसी भी आपके फिगर अगर आपको दिए हैं तो फिगर में जिन्होंने भेजा था x यहाँ दिया था y यहाँ दिया था, मैं अपने मन से नहीं माना गया, सवालों में x यहाँ रखा था y यहाँ रखा था। अब अगर बाई दे आपको सवाल ऐसा देता कि आपका x और y नहीं देता तो भी आप याद रखिएगा सिमेट्रिकल है तो y हमेशा बीचों बीच में मान लीजिएगा। तो आपको क्या होगा, एक आपको मान निकालना पड़ेगा और एक मान आपका जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो हमने इसको नंबर 1 मान लिया, तो अब जरा देखो यहाँ नंबर 1 जब आपने माना तो मैंने लिखा आयत 1 का क्षेत्रफल, यानी रेक्टेंगुलर प्लेन का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेन 1 मतलब एक आयताकार तल पहले का हमको क्षेत्रफल, तो आपको पता है आप ये 200 गुड़े आपकी जो हाइट ये दिया कितना दिया 20, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 4000 mm स्क्वायर, यानी ऑल डायमेंशन इन mm में था, आप ये किताबों में या क्वेश्चनों में दिया हुआ है। तो अब जरा देखें, आपको पता है x1 बराबर 0 होगा, क्यों, क्योंकि ये y एक्सिस पे ये सिमेट्रिकल है। तो अगर आपको जानना है तो एक बार फिर से मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं कैसे, अगर x1 का मान यहां 0 हो जा रहा है, अगर हम यहां ना भी लिखते तो भी चल जाता, आप डायरेक्ट y1 y2 y3 का मान निकाल लीजिए x1 ना लिखे, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता वो जान लीजिए, हमने बताया था अगर बाई दो आपका ये 50 mm है ये 20 mm है, और हम आपको बताए थे पहले कि अगर आपका y यहां पर होता है x यहां पर होता है तो इसका सेंट्रॉयड यहां पर होता है, तो सेंट्रॉयड जब यहां पर होता है तो कितना दूर होता है यहां से जो दूरी होती है 50 का आधा 25 पे, और यहां से जिसकी ऊंचाई होती है 20 का आधा कितना 10। अब हम यही कह रहे हैं जो y है आप यहां मान लीजिए, अब आप खुद ध्यान लगा करके देखिए, अगर इस वाई को आपने यहां मान लिया तो जहां पे सेंट्रॉयड था वहीं पर तो आपने वाई मान लिया। अब जब वाई मान लिया तो क्या एक्स पर कोई दूरी चल रहे हो, एक्स कितना चला जाता है उस फिगर का आधा, तो आप बताओ जब ये 50 है तो 50 का आधा 25, और 25 में लाइन ही जब खींच गई तो एक्स पर कोई दूरी नहीं चली गई, जब एक्स पर कोई दूरी नहीं चली गई तो इसलिए जीरो आ गया। अब आप जरा देखिए y1 क्या होगा, ये आपका कितना 20, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, यानी यहां पर आपका जो g1 आएगा यानी सेंट्रॉयड जिसे हम कह सकते हैं, यहां से इसकी जो हाइट होगी वो 10 mm होगी। तो हमने इसीलिए देखिए यहां पे y1 बराबर 20 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, 10 आ गया। अब इसके बाद अब रेक्टेंगुलर प्लेन 2 की बात करेंगे, तो इस वाले प्लेन को हमने रेक्टेंगुलर का नंबर 2 मान लिया है, अब इसकी बात करते हैं। अब जरा देखें, अब आपका जरा देखो जब आपने इस पूरे को 2 मान लिया है, याद रखे रहिएगा इसको डॉटेड डॉटेड लाइनें मिला करके दिखा दीजिएगा जिससे पता चलेगा ये 1 हो गया आपका। अब जरा देखें ये आपका अलग, आपका ये हो गया रहा, ये आपका अलग है, ये आपका अलग, अभी आपका अलग। तो अब दूसरे नंबर की बात करें तो ये देखो इसकी डिस्टेंस 160 mm और इसकी जो ब्रेथ दी आपका कितना दिया 20 mm, तो आपको फिर पता है रेक्टेंगुलर प्लेन का एरिया जब निकालेंगे तो 160 × 20 करेंगे तो कितना आएगा 3200, यानी 300 आपका कितना आ गया 3200 mm स्क्वायर। अब जरा चलते, आपको फिर पता है फिर ये सिमेट्रिकल है तो x2 का मान क्या हो जाएगा 0। अब किसकी बात करते हैं y2, अब यहीं पर गलती होती है। अब यहाँ पर आपको पता जब इसका y2 आप यहाँ निकालोगे, g2 आप जब निकालोगे इसका, तो आपको बताया गया था इसकी आधी दूरी पर होता है ये, जी ब्लॉक ले रहा जिस ब्लॉक के उस ब्लॉक का आधा, ऐसा नहीं कि ये दूरी भी जोड़ के आधा कर दीजिएगा, तो ये कितने का 160 का आधा कितना हो गया 80।
अब आप जरा देखिए, ये x एक्सिस आपको दिख रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक आपको जाना है, तो यही दूरी आपकी y की दूरी कहलाएगी। तो ये दूरी आपकी कितनी है, 80। तो हमने जरा देखो आप लोग करना क्या है, y2 हमने 120 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, वो तो 80 हो जाएगा। लेकिन उस सवालों में मैंने 20 को ऐड किया, जरा देखो क्यों 20 को ऐड, इस 20 को ऐड किया, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस, तो आपका ओरिजिन हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा। और जब भी डिस्टेंस को आप लेते हैं, यानी कोई भी अगर दूरी को मेजर करते हैं, तो याद रखिएगा जीरो से मतलब ओरिजिन से चली जाने वाली दूरी तक लिया जाता है, यानी ओरिजिन से चली जाने वाली दूरी जहां तक आप बिंदु ले रहे हो यहां तक, तो यानी कि ये टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, 80 और 20 जब आप टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 mm। तो ये देखिए आपका 100 mm आ गया। अब इसके बाद अब रेक्टेंगुलर 3 की बात करिए, तो रेक्टेंगुलर 3 का पहले एरिया निकालिए, तो 120 दिया, 20 दिया, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आपका देखिए आ गया। अब इसके बाद 2400 स्क्वायर आपका आ गया। अब हम बात कर रहे हैं, करिए 2400 आपका mm स्क्वायर जब आ गया, फिर x3 भी, फिर हमने जीरो लिख दिया। आपको पता है x3 जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है ये सिमेट्रिकल हो रहा है, ये वाला भी ब्लॉक सिमेट्रिकल हो रहा है, दो भागों में बट रहा है, इसलिए इसका x का मान जीरो होगा। अब फिर y3 की बात करें, अब आपको पता है, अब यहां पर जब आप इसका g3 निकाल रहे हो, इसका 3 निकाल रहे हो सेंट्रॉइड इस पॉइंट का, तो ये इसका क्या होगा, 10 यानी कि 20 है, तो 20 का आधा कितना होगा, 10, यानी ये तो आपका आधा हो गया। लेकिन हम जब दूरी को पूरा लिखते हैं, तो आपको पता ओरिजिन से पूरी दूरी चली गई, दूरी देखो तो कितना चले पहले 20, फिर कितना ये वाला चले 160, फिर कितना चले 10। तो अब यहां पर 20 चला, फिर 160 चला, फिर 20 बटा 2, तो टोटल आ गया कितना, 190। अगर आपको ये निकालना आ गया तो आप फार्मूले में रखना और कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके आपको आंसर निकालना एग्जाम में, तो बार x1 आपको पता है वो तो जीरो होगा, तो डायरेक्ट लिख दीजिए क्योंकि सिमेट्रिकल है। अब बार y1 आपका बार y निकालना है, तो आपको पता है a1 y1 a2 y2 a3 y3। अब तीन तक क्यों गए, क्योंकि यहां पे आपने तीन ब्लॉक लिया इसलिए तीन तक गए, अगर चार होता तो चार, पिछले सवालों में दो तक था इसलिए दो तक लिया, इस बार एक दो तीन है तो तीन तक ले लिया। अब जरा देखें a1 y1 a1 का मान आपको पता है, आपने 4000 निकाला। अब इसके बाद y1 का मान आपने 10 निकाला। अब अगर हम a2 की बात करें, 3200 आपने निकाला। उसके बाद y2 का मान आपने 100 निकाला, फिर a3 का मान निकाला, y3 का मान निकाला। इन सभी मानों को रखकर जब डिवाइडेड करेंगे तो बार y का मान कितना आ गया, 85 mm। यानी आप ये कह सकते हो इसका जो पूरे ब्लॉक का जो सेंट्रॉइड होगा, यानी यहां से इस ओरिजिन से आप 85 mm ऊपर जाओ, यानी कि अगर हम बात करें तो इट में भी मान के चलिए, ज्यूम करिए कि यहीं पर आपका क्या होगा, सेंट्रॉइड आपका मिलेगा, जिसको हम लोग कैपिटल जी से डिनोट कर दें। फिलहाल आपको ये एग्जाम में दिखाना नहीं है, अब आपका बस यही फाइनली आंसर हो गया। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन का क्या कर दिया, सॉल्यूशन पा लिया।